जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल एयरफोर्स के बारे में जो मैंने बताया था, ये देखिए एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका साफ साफ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। आइए, तो इसका फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो चुका है। तो आप इसका लास्ट डेट आज 21 तारीख है, तो इसका लास्ट डेट आपका अगले महीने का 21 तारीख, तो इसका लास्ट डेट है। तो आप उसी से एज काउंट करके इस फॉर्म को भर लेना। इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसका एडिटर में पूरी जानकारी आपको देने वाला। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंडिंग में देखिए, नहीं तो आप फिर फॉर्म भरने में गलती करोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सौरभ भाई आप क्या मतलब बताते हो, एडमिट कार्ड आता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने एडमिट कार्ड को भरा, पर डिटो आपको ऐसे ही एडमिट कार्ड को भरना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और इसका जो है मतलब जिसका जैसे कि इसका फॉर्म है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्रोफॉर्मा आप उसको खा जाकर टाइप करवा देना। 10 रुपये आपको निकालने के लिए भी लेता है, 10 रुपये आपको टाइप करके भी देने के लिए देता है। तो आप इसको टाइप करवा लेना, जैसे मैंने यहाँ टाइप करवाया। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम में आपका है, जैसे कि आपका है अप्लाई फॉर्म द पोस्ट, तो आप क्या पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो आप वहाँ पे कुक लिख देना। ठीक है, मैं आपका क्या है, जैसे कि मैं एयरफोर्स स्टेशन आगरा में मैं अप्लाई कर रहा हूँ कुक के लिए, तो मैं वहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्म द पोस्ट अप्लाई मतलब क्या आपका पोस्ट है, वही आपका कुक लिख दोगे आपका। फिर आपका आपका नाम आपको लिख देना है। फिर सेकंड में आपको कॉलम में आपको पापा का नाम लिख देना है। थर्ड कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ जिस डेट ऑफ बर्थ में आपका पैदा हुए हो आप। ठीक है, थर्ड में आपको एज आपका काउंट करके लिख देना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट डेट लिख देना है, जो आपका लास्ट डेट है, जैसे कि आपका लास्ट डेट कौन सा है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, अगले महीना का 21 तारीख। ठीक है, तो उसका लास्ट डेट हिसाब करके आप वहाँ पे एज काउंटिंग करके लिख देने। ठीक है, फिर जो आपका आता है एड्रेस का कॉलम, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ अपना, आप देख सकते हो, वैसे ही आपको भी आपका एड्रेस लिख देना है। ठीक है, आपका फिर पोस्ट ऑफिस लिख देना है, फिर आपका पिन कोड यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है क्या बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको लिख देना है। फिर आपको स्टेट आपका कौन सा है, मेरा स्टेट उड़ीसा है, तो मैंने उड़ीसा लिख दिया है, तो आप भी इसको उड़ीसा यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओगे सेकंड में। सेकंड में जो है आपका परमानेंट एड्रेस आपका मांगा हुआ है। परमानेंट एड्रेस आपका अलग है, जैसे कि आपका बिहार है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, जहाँ भी आप, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, फिर आप कैटेगरी लिख देंगे नीचे में, आपको कौन सा कैटेगरी है, जैसे कि मैं जनरल से हूँ तो मैं जनरल के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मेरा जनरल मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड में जाएंगे, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो मैं 10th पास से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 10th पास लिख देता हूँ। ठीक है, आपका अदर कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो क्या बोलते हैं आप इसको नहीं डालोगे, 10th पास लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, आपका अदर कुछ है और एक्सपीरियंस आपका कुछ है तो आप यस करोगे, वरना आप नो कर देना। ठीक है, फिर आपका आप हैंडीकैप हो, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कि नहीं है, हैंडीकैप है तो आप नो कर दोगे, मतलब हैंडीकैप हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो कर दोगे। ठीक है, और आपका टेक्निकल कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नो कर दोगे, खत्म हो गया। फिर आपको क्या, आपका डोमिसाइल है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है आप देख सकते हो यहाँ पे, आपका डोमिसाइल जैसे मेरा डोमिसाइल उड़ीसा का है तो मैंने उड़ीसा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है, आप खुद अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर आप मार दोगे। ठीक है, मेरे दोस्त ने वो भी टाइप कर दिया। ठीक है, फिर उसका डेट, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, आप डेट लिख दोगे, हो गया दोस्त खत्म। और ये जो है नीचे, ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, मतलब जो आपका मतलब आपको भेजेगा ना वही इसको भर के देगा, हो गया। फिर आपका एडमिट कार्ड का कॉलम आता है, एडमिट कार्ड में आप जैसे कि लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ कुक के लिए आप अप्लाई करते हो, आप कुक लिख दोगे। ठीक है, फिर आपका नाम आप लिख दोगे, फिर आपके पापा का नाम लिख दोगे, फिर अपना आप एड्रेस चिपका देना, जो भी आपका एड्रेस है, हो गया खत्म पार्टनर, ये भी खत्म, बस ये आपको हो गया। अब आपको छोड़ देना, फोटो आपको 2 लगा देना है, इसमें और इसमें 2 फोटो आपने चिपका दिया। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों चीज खत्म होने के बाद आपको आपका एम्बलप उठाना है। एम्बलप में आपका, जैसे मैंने यहाँ पे एम्बलप लगाया, ठीक है, क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कुक फॉर कैटेगरी जनरल, हो गया। वैसे ही आपको भी आपका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे लिखे, कैटेगरी जनरल आप अगर हो या SC ST हो, जो भी से अप्लाई कर रहे हो वो आप लिख देना। ठीक है, फिर आपका एड्रेस लिख देना, फॉर्म लिख के अपना नाम लिख देना, SO लिख के अपने पापा का नाम लिख देना, एड्रेस में आप जहाँ भी बिलोंग करते हो वहाँ का एड्रेस लिख देना, आप एम्बलप देख सकते हो, इसी टाइप का आपको लिखना है, हो गया। फिर आपको जो मतलब जहाँ पे आपको भेजना है, आप वहाँ पे इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप इसको मतलब देख लेना कौन से स्टेशन में क्या है, कैसे कैसे फॉर्म है, फिर से एक बार छोड़ दूंगा। ठीक है, इसका फॉर्म कैसे, इसका PDF भी छोड़ दूंगा, तो वो आप उसी को देखिए, उसी के जैसे मैं जहाँ पे जो कमांड में अप्लाई कर रहा हूँ यूनिट में, वो है टू द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन आगरा UP 282008, यहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस ये आपका एनवलप भेजने वाला हो गया। एक अपना सेल्फ एड्रेस लिख के आपको एनवलप बनाना है, जिसमें आपका नाम लिखा हो, आपका एड्रेस लिखा हो, और बस ऐसे ही रहेगा एनवलप, उसमें आपको
टिकट डाक टिकट लगा देना है 25 रुपए का, ठीक है। 25 रुपए का डाक टिकट लगा के उसको इस एनवेलप के साथ और अपना सारा डॉक्यूमेंट, अच्छा आपको इसके साथ भेजना क्या क्या है, ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा इसके साथ भेज देना है फॉर्म में, 10th का सर्टिफिकेट, आपका प्लस टू का सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर, तो प्लस टू का सर्टिफिकेट और प्लस टू का सर्टिफिकेट भेज देना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। आप आधार कार्ड एक मतलब प्रूफ के लिए, एज ए प्रूफ, मांगा तो नहीं है लेकिन एज ए प्रूफ आप आधार कार्ड इसके साथ भेज सकते हो, ठीक है। और अगर आपने स्पोर्ट्स मतलब पर्सन के लिए अप्लाई किया, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूड हो तो आप स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट अटैच करके भेज सकते हो, या एससी एसटी ओबीसी या अदर किसी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट का जेरॉक्स यहाँ पे भेज देना। बस हो गया, इतना ही आप इस फॉर्म के साथ आपको सेंड करना है, बस ये फॉर्म आप भर के भेज दीजिए और इस फॉर्म को आपको टाइप करवा के भेजना है। मैंने साफ साफ कहा है, मैं क्यों बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस फॉर्म में मेरे को मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको टाइप करवा के भेजना है, तो इसको टाइप करवा के ही आप भेजना, ठीक है। अगर नहीं भेजोगे तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट होगा तो मत बोलना सौरभ भाई आप गलत बताते हो ऐसा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका डेट आ चुका है, मैंने इसका और एक वीडियो बनाया था कि इसका कैसे फॉर्म भरते हैं, उसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का और मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। अपने टेलीग्राम से इसका प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर लेना, इसका फॉर्म का जो प्रोफॉर्मा है ये वाला, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ फिर से छोड़ दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ फिर से आप एक बार देख के देख लेना कौन से स्टेशन में आप अप्लाई करोगे, देख के अप्लाई कर दो फटाफट, ठीक है। और एक स्टेशन में नहीं हो सके तो 2-3 स्टेशन में साला फॉर्म अप्लाई कर दो, कोई ना कोई स्टेशन से तो आएगा, लेकिन टाइप करवा के भेजना, ठीक है। अगला बार इसी का चक्कर में शायद नहीं आया था बहुत जन का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे को सपोर्ट करें भाई, ठीक है, वीडियो को फैला दें चारों तरफ। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान। Right now and press the bell icon. Never miss an update.